हेलो गाइस, आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में स्वागत है और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। तो आज से नया न्यू वर्ष की शुरुआत हो गई है। आज पहला दिन है न्यू ईयर का और मैं जा रहा हूँ योगा सेंटर। योगा सेंटर में आज स्पेशल प्रोग्राम है 108वें नमस्कार का, ठीक है। तो वो टीच करने वाला हूँ आज। तो नया वर्ष शुरुआत होने वाला है 108वें नमस्कार से। तो चलो चलते हैं, चलते चलते आप लोगों को भी दिखाने का प्रयास करूँगा, बड़ा मस्त भी अभी देखने को मिलेगा सामने। सो लेट्स गो गाइस। आशा करता हूँ इस नए साल आप सभी के लिए खुशियाँ लेके आए और अभी आप सभी स्वस्थ और मस्त रहें, अच्छा रहें। पहुंच गया हूँ यार योगा सेंटर के पास। तो एक काम करते हैं, भागते भागते चलते हैं, थोड़ी ठंडी लग रही है। भागते भागते जाएंगे तो फिर गर्मी लग जाएगी, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर देख रहा सारे के सारे पेड़ पौधे के जो है ना पत्ते जो है झड़ गए हैं, क्योंकि ठंडी इतनी है ना, मत पूछो, इसीलिए पत्ते झड़ गए हैं यार। और ये रहा योगा सेंटर, देख रहा ऊपर की लाइट जल गई है, मतलब लोग आ गए हैं। चलो मैं भी तो पहुंच गया टाइम में। ये वाला योगा सेंटर बहुत बड़ा तो नहीं है और यहाँ से एंट्री है, मतलब गेट है भाई। लोग यहाँ पे आ भी गए हैं 108 सूर्य नमस्कार करने के लिए, नौ वर्ष के उपलक्ष्य में रखे गए हैं, देख रहे हो। अब लोग जो है थक भी गए, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे योगा सेंटर ने कुछ गिफ्ट वगैरह रखे हैं इन लोगों के लिए, देखते हैं क्या है। हाँ, इन लोगों ने गिफ्ट के रूप में लॉटरी कूपन रखे हैं, देख रहा हूँ। मैंने भी निकाला लेकिन निकला नहीं मेरे से। फाइनली तो क्लास फिनिश हो गया, तो 108 टाइम्स सूर्य नमस्कार करवाया मैंने सभी को। ज़्यादा लोग तो नहीं आए थे, पता नहीं, मैंने यहाँ किस योगा सेंटर में ज़्यादा लोग देखे नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 7-8 इतने ही लोग देखे हैं क्लास में। पता करता हूँ एक क्लास में कितने लोग आते हैं यहाँ पे वैसे ज़्यादातर। तो आज तो वैसे हॉलीडे का दिन था, मेरे ख्याल से ज़्यादातर हो सकता है फैमिली वगैरह सब जो है घूमने फिरने चले गए होंगे, इसीलिए नहीं आए। वैसे मैं कुछ खाने पीने का सोच रहा था, 10 बजने वाला है यार, वैसे एक घंटे का क्लास था तो ज़्यादा से ज़्यादा एक से दो क्लास जो है 1.5 घंटे के आसपास ले लिया, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया उसमें 108 बार सूर्य नमस्कार कराने में। चलो फिर हाल घर चलते हैं, कुछ अच्छा खाने पीने का सोच रहा हूँ मैं, देखते हैं घर में क्या कुछ है। नहीं होगा तो फिर मैं आज सोच रहा हूँ खुद से बनाऊँ अपना इंडियन फूड, देखें ज़रा चल के, कुछ नहीं होगा तो। अरे यहाँ से बड़ा गजब का धुआँ निकल रहा है यार, कहाँ से है, कुछ चल गया है ऐसा लग रहा है, धुआँ निकल रहा है सामने, ऊपर देख रहा बहुत ही ज़्यादा धुआं निकल रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा। यहीं से क्रॉस कर लेता हूँ पहले, इसका डोर खुल गया है तो मैं जल्दी से यहीं से निकल जाता हूँ।
अभी तक देख रहे हो स्नो पड़ा हुआ है, अभी तक उस दिन का गिरा हुआ था अभी तक है। गाइस चलो यार फिलहाल तो अब घर की ओर निकलते हैं और हिंदी गाना सुनते हुए निकलते हैं। अभी फिलहाल यहाँ से मुझे घर जाने में लगेंगे टाइम आधा घंटे से ऊपर, और 13 किलोमीटर के आसपास पड़ता है भाई, तो बहुत दूर पड़ता है। चलते चलते व्यू दिखाता हूँ, बड़ा मस्त। वैसे मैं सोच रहा था सेकंड रिंग रोड से जाऊँ कि थर्ड रिंग रोड से, तो थर्ड रिंग रोड से अगर जाते हैं तो इधर बड़ा मस्त व्यू देखने को मिलता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जैसे कि आप लोगों ने देखा, तो उसी तरह उसी रोड से जाएंगे और अच्छा व्यू रहता है। ड्राइव करके आया हूँ ना वो था थर्ड रिंग रोड, ठीक है। अब यहीं से आगे क्रॉस कर रहे हैं, अब आगे जाना है मुझे सेकंड रिंग रोड में, तो अभी इधर से एंट्री है, अभी दिखाता हूँ इधर का क्या कुछ है। तो इधर से जाना है भाई मुझे अभी सेकंड रिंग रोड में, और इधर तो बड़ा गजब ट्रैफिक लगे हुआ है सामने, यहाँ पर भी थोड़ा जाम है। ये सामने पहुँच गए हम लोग सेकेंड रिंग रोड, यही वाला है भाई सेकंड रिंग रोड, ये जो है नदी के किनारे पर। या बाबा हाँ बाबा क्या खा रही हो? फ्रूट खा रही है अपना। अब अभी शाम को लुसिया बेबी को थोड़ा देर इधर घुमाने के लिए लाए हैं खेलने के लिए, तो यहाँ पे देख रहा एक खिलौना वाला जहाज है उसमें बैठी है आराम से। अब तो अच्छे से खेलती भी है अपने से, और देखो हैंडल भी घुमा रही है खुद से, बड़ा इंजॉय करती है। उसको नीचे उतारे तो बोलते मैं खेलूँगी खोलूँगी बोलते हैं, नीचे नहीं आऊँगी बोलते। एक ये वाला और भी बस है देखो, बड़ा मस्त बैठी है और देख रही है जैसे वो गाड़ी चला रही है ऐसे, देखते हैं सामने हैंडल घुमाती है, देखो हॉर्न भी बजाती है, बड़ा दिमाग लगाती है गाड़ी चलाने के लिए। वो देख रहे कैसे अपना चला रही है, बड़ा मस्त मौज करती है अपना खेलती है खूब। हेलो गाइस, आप सभी का मेरे स्नैप ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों अभी फिलहाल तो मैं आ रहा हूँ योगा सेंटर से क्लास लेके, नहीं यार क्लास लेके नहीं, मैं अभी क्लास लिया था उसके बाद गया था ब्रेकफास्ट करने के लिए, और अभी मुझे जाना है एंट्री एंड एग्जिट ऑफिस जहाँ से मुझे अपने पासपोर्ट को कलेक्ट करना है। तो चलो चलते हैं, यहाँ से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे 15-20 मिनट जाने में वहाँ तक कार चला के। और वैसे अंदर तो वहाँ पे वीडियो बनाने नहीं देते हैं, मैंने पिछली बार आप लोगों को बताया भी था, तो चलो देखते हैं। और आज मैं सोच रहा हूँ कहीं बाहर घूमूं फिरूं यार, और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं ऐसा सोच रहा हूँ। तो लेट्स सी, कार लेकर तो जा रहा हूँ लेकिन मुझे पता नहीं है कि उधर पार्किंग है कि नहीं, बड़ा मुश्किल होगा पार्किंग में, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आता है, क्योंकि उधर मुझे मैं गया था तो फिर पार्किंग तो दिखा नहीं। देखें कैसी व्यवस्था है पार्किंग की, मेरे ख्याल से थोड़ा भटकना पड़ेगा लगता है। सो यार अब तो फिलहाल मैं ढूंढ रहा हूँ पार्किंग, पहुँच तो गया हूँ उधर, मैं उस ऑफिस से आगे बढ़ गया हूँ थोड़ा, देखते हैं मिल तो जाना चाहिए पार्किंग। यार आई पार्किंग तो मिल गया, पता नहीं लेकिन यहाँ पे कितना पैसा कटेगा, तो जल्दी से जाता हूँ और अपना पासपोर्ट लेके आता हूँ। सो यहाँ पे वॉक करके जाना पड़ेगा मुझे 1 किलोमीटर, थोड़ा दूर है यार, देखता हूँ साइकिल मिल जाता है तो अच्छी बात है, साइकिल तो यहाँ दिख रहा है उसी को चलाते हुए जाता हूँ। वैसे ठंडी तो बहुत ज़्यादा लग रही है। सो ये महिला मुझे QR कोड दे रही है, जब मैं जाऊँगा तो उसको स्कैन करना पड़ेगा, अच्छा फिर उससे अपने आप पैसा कट जाएगा। तो महिला पीछे जा रही है ना, ये जो है पैसे लेगी इसके पार्किंग के, देखते हैं आधा घंटे में कितना लेती है। तो इन्होंने मुझे एक स्लिप दी है, उस स्लिप में मुझे स्कैन करना पड़ेगा ऐसा है। चलो यार यहाँ पे साइकिल तो मिल गया मुझे एक, तो
उसी साइकिल को पकड़ के चलते हैं हम लोग, ये वाला साइकिल। भाई साइकिल चलाते हुए आया, मेरा तो हाथ चूर गया यार, बड़ा गजब। ये लो भाई हम लोग पहुंच गए यहाँ पे, चलो अंदर चलते हैं। चलो भाई पासपोर्ट तो मैंने कलेक्ट कर लिया यहाँ से, अब चलते हैं सीधे नीचे। यार मैंने कार को जो है ना बहुत दूर पार्क कर दिया है, चलो कोई नहीं वॉक करते हुए चलते हैं थोड़ा। वैसे पासपोर्ट तो मुझे मिल गया, अभी एक चीज़ और बनाना बाकी है, वर्क परमिट। यह तो समझो चाइना में रहने का परमिट है, एक होता है काम करने का परमिट होता है, जब वो वाला बन जाता है तो फिर आप काम कर सकते हो, ऐसा रहता है। तो अब यार वेट करना पड़ेगा फिलहाल। तो ये पीछे देख रहा हूँ, पीछे वाला जो है ना, पीछे देख रहा हूँ, पीछे वाला जो पत्थर है ना, वो सच में पत्थर है भाई, बहुत बड़ा पत्थर। ये यहाँ पे एक स्कूल है, ये बच्चे खेल रहे थे जब मैं आ रहा था, तो अभी तो नहीं खेल रहे हैं। आगे एक और स्कूल है यार, देखता हूँ बच्चे खेल रहे हैं कि नहीं वहाँ पे। इधर जो है बीजिंग का पुराना गली है, देख रहा हूँ ऐसा दिखता है भाई, थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ, उसके बाद चलता हूँ मैं अपने कार के पास। देखो ये छोटा सा घर, अंदर तो नहीं जा सकते यार, मेरी जान पहचान तो है नहीं। अरे यहाँ पे बच्चों का जो है स्कूल है, देख रहा वो तो कुछ एक्सरसाइज वगैरह की क्लास चल रही है यार। यहाँ की स्कूल के बारे में तो अभी तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बच्चे भाग भी रहे हैं उधर यार, अभी भाग रही, थोड़ा बहुत ही स्ट्रेचिंग वगैरह की है शायद, उसके बाद रनिंग कर रहे हैं सभी लोग, देख रहे हैं रनिंग चल रहा है इनका पीछे। गाइस चलो यार फिर हॉल अप चलते हैं घर की ओर। सोलर